और आज हिंदुस्तान ने एक रोहित शर्मा पूरी टीम बन के सामने आया है। रोहित शर्मा पता नहीं कहाँ सोया हुआ था। गुड टू सी रोहित शर्मा बैक। वो जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितनी रेंज ऑफ शॉट उसके पास हैं, वो एक पूरा बैट्समैन है, पूरी टीम है। जो इनिंग्स उसने खेली उसने ह्यूमिलेट किया पार बॉलिंग को, और उसने बहुत मारा है। आई मीन ठीक मारा है उसने, और इसलिए सही मारा है क्योंकि क्यों वाई टू फिनिश दैट गेम वेरी लास्ट ओवर्स में, तो उसने ठीक ठाक फेंटा दिया। रोहित शर्मा के अंदर क्लास नजर आती है। हमारे मैन टू मैन मार्किंग की जाए अगर हमारे बैट्समैनों की और इंडिया के बैट्समैनों की, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत ही रूथलेसली खेला है रोहित शर्मा। सो मैं रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन, ही इज़ बैक विद द बैंग। एंड व्हाट अ ग्रेट साइट टू सी व्हेन रोहित शर्मा इज़ प्लेइंग, तो मज़ा आ जाता है। और क्या उसकी टाइमिंग है, क्या उसका खेलने का तरीका है। ये विकेट स्लो है, स्लो विकेट पे बहुत सारे बल्लेबाजों का पता चल गया है। स्लो विकेट है, घास कटी हुई है और टर्न हो रही है बॉल। मतलब भाई इंडिया खेला अच्छा नहीं है, लेकिन इस विकेट पर जिस आदमी मर्दे बोरा कप्तान रोहित शर्मा, यही वो नाम है जो विराट कोहली के साथ आपको अरसे से बचा रहा था, और आज भी मस्त उसके पांव पकड़ लो, क्योंकि 140 रन से ज्यादा नहीं होते अगर रोहित शर्मा शुरू में पिटाई नहीं करते। ये वो यूनिवर्सल लांती बल्लेबाज है जिन पे डिपेंड कर रहा था टीम इंडिया। अबे इस दिन के लिए पाला था तुम्हें क्या? हैं इसलिए लेके चल रहे थे? आज श्रीलंका से डुओट आए हैं और यहाँ पर तस्वीर का एक रुख दिखा के तुम जीतने वाली कोई पोजीशन नजर नहीं आ रही। आज अगर रोहित शर्मा के 50 नहीं है तो उसके अंदर क्या नजर आ रहा है? मगर इनसिक्योरिटी टीम के अंदर साफ नजर आ रही है। रोहित शर्मा की एग्रेशन अलग से, प्यार अलग से झलक रहा है, वो नजर आ रहा है यार। ये डिजर्व नहीं कर रहे हैं कि आज का एक एंड रोहित शर्मा नहीं संभालता, विराट ने रो रहे होते ये अभी सब 140-45 नहीं बनता। इंडिया की बैटिंग को उड़ा दो, इनकी इंटेंट नहीं थी, छक्के की बात नहीं है। अबे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, असिस्ट करो ना इस विकेट को, के कहां मारना है। रोहित शर्मा ने आज अपनी क्लास दिखा दी कि मैं ही एक ऐसा टाइमर हूं क्रिकेट बॉल का। देखो रोहित रन कर गया, रोहित शर्मा ने घंटा बजा दिया, रोहित शर्मा ने घंटा बजा दिया। भाई घंटा तो विराट कोहली ने बजाना था, लेकिन रोहित शर्मा ने फुल शॉटों पे घंटा बजा दिया। मारना आपको विराट कोहली ने था, मार आपको रोहित गया है। किस किस से बचोगे? 207 आ गए, ये समझ रहे थे कि हम अपनी स्पिन बॉलिंग लाइनअप से इंडिया को टैकल कर लेंगे, मेरा हेल कर लोगे आप, बता दिया रोहित शर्मा ने। वो अब्बू है बता दिया रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा मारने पे आता है वो धोती खोल देता है। जब रोहित शर्मा छक्के मारने पे वो धोती खोल देता है। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला प्लेयर बन चुका है, और घंटा बजा दिया रोहित शर्मा ने, घंटा बज गया है। कौन कौन से बॉलर ट्राई किए हैं, जो भी ट्राई किए हैं उसने हाल पे रखे हैं। आपने बेहतर इंटरटेनिंग इनिंग देखनी है, इससे बेहतर नहीं मिलेगी। रोहित शर्मा ने घंटा बजा दिया है। ऐसे बैटिंग करते हैं, इस तरह इंटेंट लेके आते हैं। मेरा बाबर का भी इस तरह की इंटेंट लेके आएगा, मेरा घंटा का भी इस तरह की इंटेंट लेके आएगा, वो कभी भी नहीं लेके आएगा। और जो जो आया सबका घंटा बजाया, घंटा किसने बजाया? अबू रोहित शर्मा ने, रोहित मैन शर्मा। जब वो छक्के मारता है धोती खोल देता है, क्योंकि रोहित शर्मा वो फॉर्म में वापिस आ गया है। अब कोई बंदा मुझे नीचे आकर ये बकवास ना करे कि जी रोहित शर्मा ने हिटिंग की है, ये किया वो किया। प्रॉपर बैटिंग देखने को मिली है, प्रॉपर रोहित वाली, जो रोहित मैन वाली इनिंग होती है ना, वो देखने को मिली है प्रॉपर। जिस तरह बाबर आज, जिस तरह रोहित शर्मा जो आज बॉलरों को पेल रहा है। बाबर ने कब इस तरह खेला है? बाबर ने कभी भी नहीं खेला। बाबर आजम साहब अपने लिए खेलते हैं, रोहित शर्मा साहब टीम के लिए खेलते हैं। रो द हिट मैन शर्मा और रोएंगे सारे। रोहित शर्मा होगा वो बजाएगा डम 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 डम। आज रोहित द हिट मैन शर्मा का शो है। टुनाइट इज रोहित द हिट मैन शर्मा नाइट। आज रोहित हिटमैन शर्मा की रात थी, आज रात ही हिटमैन की है। जिसने हिटमैन का शो नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। तो जिसने हिटमैन का शो नहीं देखा वो आज पैदा नहीं हुआ। तौबा तौबा तौबा, क्या बाहर निकल के छक्के, क्या इधर छक्के, क्या उधर चौके, छक्के और छक्कों की बरसात थी। बरसात में नहला दिया, धुला दिया। लेकिन आज का शो है हिट मैन शो, रोहित द हिट मैन शो। रोहित शर्मा ने उनके बॉलर्स को फेंटा लगा दिया है, और क्या कमाल और लाजवाब किस्म की बैटिंग किया भाई रोहित शर्मा ने। आज बड़े अरसे के बाद रोहित शर्मा का हिट मैन वाला जो रूप है ना भाई,
वो नजर आया। रोहित शर्मा का बल्ला आग उगल रहा है भाई, क्या कमाल की बैटिंग की है भाई आज। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो भाई साहब रोहित शर्मा टेक अ बुक, क्या कमाल बैटिंग, लाजवाब भाई साहब। आज अगर देखा जाए तो भाई साहब आज रोहित शर्मा ऐसा लग रहा था कि बैट नहीं, हाथ में जो रोहित शर्मा तलवार लेके आए हुए थे या कलहाड़ा लेके आए हुए थे जिसके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया बॉलर्स के साथ। क्या कमाल के पुल शॉट, कवर के ऊपर से छक्के, कदमों का इस्तेमाल करके बॉलर के सर के ऊपर से छक्के, यानी कि लाजवाब रोहित शर्मा, कमाल लाजवाब, बिल्कुल सबको हैरान करके छोड़ दिया रोहित शर्मा ने भाई साहब। और यह इस टाइम ओडीआई का सबसे खतरनाक बल्लेबाज और खतरनाक ओपनर रोहित शर्मा, अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। तो रोहित शर्मा ने घंटा बजा के रख दिया भाई साहब, ये अगर कहा जाए कुछ गलत नहीं है। रोहित शर्मा ने अनाउंसमेंट कर दिया अपने बैट के साथ के हिटमैन इज बैक। भाई साहब ये 2019 वाला रोहित शर्मा जो आपको बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है, आज ये रोहित शर्मा की बैटिंग देख के ये चीज फील हुई है। तो आज लाइक तारे दिखा दिए, मैं कहता हूँ जो जीत हुई है कमाल करके दिखा दी। छोटी टीम थी लेकिन रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस थी, मैं तो यकीन करें 200 का टारगेट दिया गया था तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इंडिया जो है वो आराम आराम से खेलेगा। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया है मैं कहता हूँ कमाल कर दिया, इतने जबरदस्त किस्म के तारे, मैं कहता हूँ लोग स्टेडियम को नहीं देख रहे थे, आसमान की तरफ देख रहे थे। रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है, जो अभी तक हम एक लव सुन रहे थे घंटा बजाना, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी यार ये इंडिया घंटा घंटा का क्यों लफ्ज कहते हैं, लेकिन आज जब उसने यार रोहित का खेला है भाई, उसने फाड़ के रख दिया। क्या बात है रोहित शर्मा, इसलिए तो हम चाहते हैं यार रोहित शर्मा किसी के और चल जाए, रोहित शर्मा किसी के खिलाफ ना चले, वो उनकी कयामत गिरा ढा देता है। रोहित शर्मा का तो हम यही चाहते हैं जो किसी भी टीम के खिलाफ उसका बैट ना चले, अगर चल गया तो वो कीमा बना देते हैं अगली जो भी टीम हो, वो तो T10 बना के मारते हैं सब कुछ। बाबर साहब आप आज का मैच आप देखें कि उस रोहित कैसे उसने बैटिंग की, तो बाबर साहब अगर आपको टाइम मिलता, बिल्कुल टाइम क्यों नहीं होगा, रोहित से और विराट कोहली से जाके सीखें, आपके पास बड़ा अच्छा ये मौका सीखने का और कम से कम